कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है, जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था बाड़ा साहब ठाकरे जी उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुर्जा भवानी से आशीर्वाद लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए निकल पड़े थे। वे शक्ति के उपासक थे और उसी शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे पता नहीं, बाड़ा साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, साथियों, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया है। और इसलिए ही जब चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंचा था, तो हमने उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया। कई पॉलिटिकल जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे लिए देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।